पेंसिल मेरी है। नहीं, मेरी है। तुम झूठ बोल रहे हो, ये पेंसिल मेरी है। मैं क्यों झूठ बोलूं? तुम झूठ बोल रही हो। मुझे मेरी पेंसिल वापस दे दो। पर ये मेरी पेंसिल है। अब क्या हुआ? तुम दोनों किस चीज को लेकर झगड़ रहे हो? दादी माँ, ये पेंसिल मेरी है। नहीं दादी माँ, ये पेंसिल मेरी है। मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ ये पेंसिल किसकी है। ये पेंसिल मधुरा की है। हाँ, मेरी पेंसिल। लेकिन मेरी पेंसिल भी ऐसी ही थी दादी। मुझे पता है हर्ष, लेकिन ये पेंसिल मधुरा की है। कैसे दादी, आपको कैसे पता कि ये पेंसिल मधुरा की है? मधुरा लिखते लिखते पेंसिल मुंह में डालती है तो उसके दांतों के निशान पेंसिल पे गड़ जाते हैं। ये देखो, यहाँ निशान है। हाँ है। और हर्ष, शायद तुम्हारी पेंसिल कहीं खो गई हो। मैं तुम्हें नई पेंसिल देती हूँ। ठीक है दादी। दादी, आप तो बहुत होशियार हैं। आपने झट से पेंसिल पहचान ली। वो तो मैं हूँ, लेकिन गौतम बुद्ध से होशियार नहीं हूँ। गौतम बुद्ध कौन है? 5वीं शताब्दी में एक बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, गौतम बुद्ध। चलो, मैं तुम्हें उन्हीं की एक कहानी सुनाती हूँ। भारत के एक गांव में भरी दोपहर में दो औरतें झगड़ रही थीं, हेमा और रेखा। तुम मेरा बेटा चोरी करना चाहती हो। ये मेरा बेटा है, तुम इसे चोरी कर रही हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये मेरा बेटा है। क्या बहन, क्यों झूठ बोल रही हो? मैं झूठ बोल रही हूँ या तुम? मैं अपने बेटे के लिए झूठ क्यों बोलूंगी? इन दोनों का झगड़ा सुन कुछ लोग वहाँ जमा हो गए। उनमें से एक ने सुझाव दिया, तुम दोनों बच्चे की कसम खाओ। मैं बच्चे की कसम खाती हूँ कि ये मेरा बेटा है। बहन, मेरे मुन्ने की झूठी कसम मत खाओ, ये मेरा मुन्ना है। सभी लोग उलझन में पड़ गए कि आखिर ये बच्चा है किसका। अंत में वो दोनों औरतें बच्चे को लेकर गौतम बुद्ध के पास गई। गौतम बुद्ध अपने ज्ञान पेड़ के नीचे बैठे थे। दोनों ने उन्हें अपनी समस्या बताई। इसका उपाय बहुत सरल है। गौतम बुद्ध उठे और उन्होंने एक लकड़ी की सहायता से दोनों औरतों के बगल से एक बड़ा सा गोला बना दिया। ये क्या है महाराज? ये तुम्हारी समस्या का समाधान है। वो कैसे महाराज? तुम बच्चे का हाथ पकड़ो और तुम पैर, और दोनों बच्चे को अपनी ओर खींचो। तुम दोनों में से जो भी बच्चे को अपनी ओर गोले के बाहर तक खींच पाएगा, इस बच्चे की माँ वही है। गौतम बुद्ध के कहने पर दोनों ने बच्चे को खींचना शुरू किया। कभी हेमा उसे अपनी ओर खींचती तो कभी रेखा। ये सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा और बच्चा दर्द के मारे रोने लगा। बच्चे को रोता देख रेखा ने उसके हाथ छोड़ दिए और हेमा बच्चे को गोले के बाहर ले गई। ओह
मैं ही इस बच्चे की माँ हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम बच्चे की माँ नहीं हो। लेकिन आपने ही तो आदेश दिया था महाराज। जो बच्चे का दर्द नहीं देख पाई वही उसकी असली माँ है। गौतम बुद्ध ने वो बच्चा रेखा को दे दिया। दादी माँ, गौतम बुद्ध तो सच में बहुत बुद्धिमान थे। बिल्कुल मेरी तरह। तुम और बुद्धिमान, तुम तो अपनी पेंसिल भी नहीं पहचान पाए। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।